प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी आरटीओ में दलालों का वर्चस्व खत्म नहीं हो पा रहा। दलालों का दबदबा आरटीओ विभाग में किस कदर हावी है कि इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि आरटीओ अधिकारी नहीं बल्कि दलाल पूरे विभाग को चला रहे हैं। जी हाँ, यह हमारा नहीं बल्कि एक स्टिंग में इस बात का खुलासा हुआ है जिसमें दलाल खुद बोल रहा है कि आरटीओ में अधिकारी काम लोगों आम लोगों से नहीं बल्कि हमारे माध्यम से पैसा लेते हैं। दरअसल यह पूरा स्टिंग लाइसेंस को लेकर किया गया था जिसमें 7 दिनों के अंदर लाइसेंस बनवाने के एवर्स में 3000 में लाइसेंस बनवाने का दावा दलाल कर रहा है। इतना ही नहीं, दलाल का दावा है कि वह बिना टेस्ट कराए लाइसेंस भी बनवा देगा। ऐसे ही सवाल उठना लाजमी है, क्या आरटीओ के पास भी इस दलाली का पैसा हो जाता है क्या? क्योंकि आला अधिकारियों के संरक्षण के बिना विभाग में दलाल सक्रिय नहीं हो सकते। मतलब अगर हाथ में चाहिए तो 3000 कुछ नहीं करना है, उसमें रसीद भी हमारी होगी और मोटरसाइकिल मोटर कार का बनवाओ, दोनों चीज़ें लाइसेंस एक बार बनता है। आपकी उम्र कितनी हो गई? 10 साल रसीद देंगे आप? बिल्कुल, इस तरीके की रसीद आई है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर टेस्ट नहीं देना है तो कैसे दें? मैडम, भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर, आप भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है। यहाँ देखिए कितनी लाइन लग रही है, कई लोग लाइसेंस बनवा लेंगे, सारे नहीं बनवा, उनके पास कॉलम ही ऐसा है कि वो फेल कर देंगे। कोई उन्हें पीछे के पैसे देगा तो? आप तो डायरेक्ट लेंगे नहीं, आप पता नहीं इंटेलिजेंट ऑफिसर हो, पुलिस विभाग में हो, या आप एंटी करप्शन में हो, कौन हो, क्या हो, विजिलेंस में, आप तो डायरेक्ट पैसा लेंगे ही नहीं। कितने दिन में आ जाएगा ये? आज स्लॉट बुक कराओ तो 23-24 का कुछ दिन आज पड़ेगा, फोटो से इस बार एक हफ्ते ऑनलाइन 3000 रुपये। मोटरसाइकिल मोटर कार का नहीं, ओनली मोटरसाइकिल। हाँ, टू व्हीलर आरटीओ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें दलाल कह रहा है कि आरटीओ 3000 रुपये हमारे हाथ से पैसा लेता है, आपसे नहीं लेगा और लाइसेंस हम 2 दिन में बना के दे देंगे। आपने भी कई बार वहाँ रेड किया, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जिला प्रशासन द्वारा परिवहन विभाग को लेकर लगातार संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा एडीएम प्रोटोकॉल से एक बार विस्तृत जाँच कराई गई थी और इस प्रकार के जो वहाँ पर दलाल या इस तरह के व्यक्ति जो अनाधिकृत हैं वहाँ पर सक्रिय हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। अगर इस प्रकार की और भी कोई घटना संज्ञान में आई है तो उस वीडियो की जांच कराकर वो जो भी दोषी होगा, अगर यदि उसका कहीं लिंक पाया जाएगा, उस पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और लगातार जिला प्रशासन द्वारा वहां पर रेड और इस तरह की कार्रवाई की लोगों को जो नियम और शासन के शासनादेश हैं उनके अंतर्गत उनको ड्यूएल उपलब्ध हो। आरटीओ है, उनको भी जानकारी है पूरे मामले की, विभाग के बाहर दलाल सक्रिय रहते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? कि आरटीओ भी संदिग्ध है इस पूरे मामले का? नहीं, अगर यदि आरटीओ वगैरह भी अगर अपने यहाँ, चूंकि उनका कार्यालय है और उनके यहाँ इस तरह की चीजें लगातार पाई जा रही हैं, तो निसंदेह उनकी भूमिका के बारे में भी जांच होगी कि वो इसमें सम्मिलित हैं अथवा नहीं है, और जिला प्रशासन लगातार गंभीरता से इसको दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। क्या आरटीओ किसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? इसमें यह है कि जो जाँच कराई जाएगी, जाँच के बाद जो तथ्य संज्ञान में आएंगे, जिनका भी दोष होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।